खबर कृष्ण नगरी मथुरा से है, जहां ट्रक को देखकर भीड़ इस कदर बेकाबू हुई कि पुलिस के सारे बंदोबस्त धरे के धरे रह गए और भीड़ ट्रक की तरफ दौड़ पड़ी। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अचानक भीड़ एक तरफ ऐसे दौड़ पड़ती है कि मानो इन्हें कुबेर का खजाना दिखाई पड़ गया हो। दरअसल ये उन प्रवासी मजदूरों की भीड़ है जो दिल्ली और हरियाणा से ट्रकों में सवार होकर बिहार और अन्य प्रदेशों में जाने के लिए निकली थी, लेकिन औरैया हादसे के बाद सूबे के मुखिया ने स्पष्ट आदेश दे दिए हैं कि कोई भी पैदल अथवा ट्रक, टेम्पो या फिर बाइक आदि से अपने गृह जनपद नहीं जा सकेगा, बल्कि जिलाधिकारी उनके लिए बस या ट्रेन से भेजने का प्रबंध करेंगे। ऐसे में इन लोगों को बॉर्डर पर ही रोका गया था। प्रवासी मजदूरों का आरोप है कि उन्हें रोक तो लिया गया, लेकिन उनके ठहरने और खाने पीने की उचित व्यवस्था नहीं की गई और ना ही घर पहुंचाने के लिए बस या ट्रेन के बारे में कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। इसी बीच उन्हें ट्रक दिखाई दिए तो वो उनमें सवार होने के लिए दौड़ पड़े। दो दिन हो गया आए हुए। तो आपको नहीं भेजा गया कहीं? कहीं नहीं भेजा। बस नहीं मिली किसी को? जाने नहीं दे रहा है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भेजेंगे ही भेजेंगे, फंसा कर रखा है दो दिन से। तो बोला आपको नहीं भेजा कहीं? कहीं नहीं। हालांकि पुलिस का कहना है कि प्रवासी मजदूरों के लिए पूरा पुलिस फोर्स सड़क पर है, उन्हें उचित संसाधनों द्वारा ही उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लगातार हरियाणा की तरफ से सभी माध्यमों से लोग जो हैं, माइग्रेंट लेबर जो है, वो उसका पलायन हो रहा है। हमारा बॉर्डर से लेकर, कोटबंद बॉर्डर से लेकर और फराय बॉर्डर तक कम से कम 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर बैरियर के माध्यम से जो हमारा लेबर आ रहा है उसको रुकवाया जा रहा है, उसके लिए खाने का पानी का प्रबंध किया जा रहा है और सुरक्षित माध्यम से ही उसे आगे अलाउ किया जा रहा है। इसमें हमारी सरकारी बसें, प्राइवेट बसें, अन्य माध्यम जो हैं उनसे व्यवस्था करवाई जा रही है और केवल सुरक्षित तरीके से ही उसको भेजा जाएगा। किसी भी अनधिकृत रूप से या असुरक्षित तरीके से उसको नहीं भेजा जाएगा। व्यवस्था में जनपद मथुरा की पुलिस के सभी अधिकारी, प्रशासन के सभी अधिकारी इस समय पर रोड पे हैं। हमारी सारी फोर्स इस समय रोड पे है केवल इसी प्रयास के लिए कि कोई भी श्रमिक जो है वो खतरनाक तरीके से या वो दुर्घटना उसके साथ ना हो पाए, खाना उसको मिल जाए, पानी उसको मिल जाए।